नमस्कार सर। नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में हमारी एक श्रृंखला है इनसे मिलिए, जिसमें हम विशेष अलग अलग अभिव्यक्ति के क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग जो विशेष ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं और अपने सुधी श्रोताओं को भी परिचित कराते हैं। आज उस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर राजेंद्र गर्ग। आप व्याख्याता रहे राजकीय महाविद्यालय में, अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, साथ ही अपने आप में एक व्यक्तित्व ऐसा है राजेंद्र गर्ग साहब का कि किसी अगर चुना जाए, ढूंढा जाए एक चिंतक और विचारक को, तो मेरी उम्र में अब तक मेरे सामने इतना श्रेष्ठ विचारक और चिंतक नहीं आया कि मैं राजेंद्र गर्ग साहब के सामने उसको रख सकूं। मुझे क्षमा करें, मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं। आपने जहां तक चिंतन की बात है, रचनाएं लिखी और पुस्तकें छपी हैं। आपकी विशेष पुस्तक है एक हमारी चिंतन धारा, उसे पढ़ते हुए तो पाठक अपने आप में ही आत्ममुग्ध हो जाता है कि मुझे क्या मिल गया कि मैं पढ़ रहा हूं। आप इंडियन रिलीफ सोसाइटी, रेडिकल सोसाइटी से एक मैगजीन निकलती है, उसके मानद संपादक भी हैं, नव मानव के। आज जिस पुस्तक पर हम बात करेंगे वो उनकी कविताओं की पुस्तक है, उसका नाम है सन्नाटे का शोर। राजेंद्र गर्ग साहब सन्नाटे के शोर को अभिव्यक्त करने वाले कवि के रूप में पहचाने जा सकते हैं। आप विचारक हैं, आप प्रकृति के अस्तित्व को मानवीय पक्ष में महसूस करते हुए अपनी रचनाओं के माध्यम से संवादी तो बनाते ही हैं, साथ ही हमें चिंतन और सौंदर्य बोध से जोड़ते हुए अपने कवित्व से भी परिचित कराते जाते हैं। अधिक समय नहीं लूंगा, समय सीमा सबके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि जिन कविताओं ने मुझे सीधे सीधे छू लिया, उनमें 5-7 कविताओं के नाम मैं यहाँ ले सकता हूँ, जिसमें विशेष रूप से है सोता है एक महाकाव्य, दूसरा है यादें, तीसरी है हवा में बने चित्र और धर्म का जुलूस, सत्य तुम तक कैसे पहुंचूं, कितना अकेला, और एक विशेष रचना है आपकी कि कोई अर्थ शेष नहीं है। तो मैं, मेरे संग जुड़े हुए हैं आज अपने इस मंच से प्रोफेसर डॉक्टर मनु शर्मा, डॉक्टर साहब प्रकाश चंद जैन साहब, जो अपने आप में एक एक हस्ताक्षर हैं। मनु शर्मा जी बहुत अच्छे लेखक, कवि, गजलकार, पर जिनका अपना एक, जैसा कहना चाहिए, क्लास है। जैन साहब भी बड़े विचारक हैं और आप भी कई पुस्तकें लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं। ऐसे विद्वान साथियों के साथ बैठ के एक किसी पुस्तक पर विमर्श करना, मैं सोचता हूँ कि जनसौकार मंच का ही सौभाग्य नहीं है, ये सौभाग्य हम बांट रहे हैं अपने सुधी श्रोताओं के साथ। तो गर्ग साहब, आपसे गुजारिश है कि अपनी कोई रचनाएं जो आप ठीक समझें, उनका रचनाओं आज मैं फिर गर्ग साहब, मोहन शर्मा जी और जैन साहब। जी हाँ,
आपने मुझे आदेश दिया है कि कुछ कविताओं का पाठ करूं आपके सामने। मैं सभी विद्वान साथियों का अभिवादन करता हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी कविताओं को इसी योग्य समझा कि उन पर चर्चा करने के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं। अब मैं आपके निर्देशानुसार ज्यादा तो नहीं, चार पांच ऐसी कविताएं सुनाना चाहता हूँ, छोटी छोटी, जिसमें समय ज्यादा नहीं लगे। तो जी एक तो ये कविता है, जैसे आज 7 दशक बाद, जी पृष्ठ संख्या 31 पर, थर्टी हाँ, मित्र भाव को लिए हुए हैं जी। हाँ। तो वो अभी 2-3 साल पहले ही वो मिलना हुआ था एक पुराने बचपन के मित्र से। इस ठीक है बीच में साल तक हम मिले नहीं जी और अचानक मिल गए। उस पर ये उस घटना के बाद ये है अच्छी है, जो सुनाइए। मैंने, सूखे तालाब के पैंदे सा मुखड़ा तुम्हारा भर गया है से, झरते हैं लार के झरने जी हाँ तुम्हारे दंतहीन, के झरने तुम्हारे दंतहीन मुंह से, कांपते हैं तुम्हारे हाथ पानी का गिलास पकड़ने पर। वाह क्या खूब संयोग, मिल गए हैं आज हम पूरे 7 दशक बाद। मेरे हमदम, मेरे हमजुबान, मेरे बाल सखा, हर कदम पर पीड़ा की कराह निकला ही चाहती है तुम्हारे मुंह से। जी मेरे अष्टावक्र, न तो मैं ही सुन पाता हूं तुम्हारा कहा, न तुम तक पहुंचती है मेरी कांपती आवाज। बहुत अच्छे, बदल गई है तुम्हारी तस्वीर, साफ जो दमकती थी अब तक मेरी यादों में। उछलते दौड़ते पेड़ों पर चढ़ते हम तुम, दिन भर फिसलते थे हम पहाड़ी की उस ढलान पर, हाँ और फुदक गिलहरियों की तरह चौराहे के उस बरगद में, तालाब की लहरों पर सवारी करते गर्मी की दोपहरी में, और सांझ का अंधेरा घिरने पर जैसे बंदर वृक्षों में जा बैठते हैं, उदास मन से हम भी घरों को बहुत लौटते थे। टूट अच्छा, बिखर गई है दोनों तस्वीरें, मेरे मन में तुम्हारी और तुम्हारे मन में मेरी, आज 7 दशक बाद। मेरे हम ख्याल, मेरे बाल। इसके बाद मैं एक दूसरी कविता आपको सुनाना चाह रहा हूं, नरेंद्र दाभोलकर। ये पृष्ठ संख्या 40, पृष्ठ संख्या 40। जी पी लिया सुकरात नहीं तो क्या हुआ, पी वाह लिया सुकरात क्या हुआ, क्या कभी ऐसा हलाहल बन सका है, रोक सकता जो विचारों की लहर को, बह रही जो देश के और काल के इस पार से उस पार। वाह कौन से विषपान से अब तक मरी है किसी मीरा की लगन, वाह दुख में डूबी हुई मानव नियति पर, अश्रु भीगे भाव जीसस के, कभी सूली चढ़ाए जा सकेंगे, और ब्रूनो को जलाकर भस्म वाह कर पाए अच्छा कभी तुम, ये जिज्ञासा सनातन मनुष्य की देखती है जो सदा उत्कंठ अंधेरी सुरंगों के पार, और लिंकन पर चलाई गोलियां रोक पाई दासता के अंत को, खनिज धरती पर कहां ऐसा छिपा है, खनिज धरती पर कहीं ऐसा छिपा है बनाकर बंदूक जिसकी, कर सको गांधी रहित तुम इस धरा को, वाह और भर दो इस जगत को हिटलरों से नादिरों से। वह जगाता था मेरा दाभोलकर,
पद दलित मृत प्राय जन समुदाय को जो तिमिर में घोर में पड़ा है उसे जो गोली लगी है वह लगी है तर्क को विज्ञान को जो नहीं मरते तुम्हारे इन खिलौनों से। ये और एक मैं पृष्ठ 61 माँ का जी माँ का पत्र आज फिर आया है माँ का पत्र। कितने कितने लोगों से कितनी कितनी बार कैसे कैसे तकाजा किया होगा उसने तब ये पत्र यहाँ न्यूयॉर्क पहुंचा। गांव भर के सुख दुख लिखे हैं इसमें। कौन भाई अलग हो गए बाप के जीते जी बुरा है कलयुग। कौन कौन राम को प्यारे हो गए कैसे कैसे लठैत मरत थे आखिर भगवान की मर्जी। किसका लड़का शहर जा बसा पुरखों पर कालिख पोत दी किसकी लड़की ने। किसके खेतों में क्या पैदा हुआ इस बरस। और हनुमान जी के चबूतरे वाला पुराना पीपल भी गिर गया है आंधी में। क्या बात लिखा है तेरे बापू जाते तो है मजदूरी पर हाँ अब लेकिन हाथ कांपने लगे हैं। कितनी तो बार मैंने कहा माँ को काम की ही बात लिखवाया कर। कितनी तो बार मैंने कहा माँ को काम की ही बात लिखवाया कर। समय बर्बाद है समझती ही नहीं नहीं अपने बारे में कुछ लिखती समझती ही नहीं अपने बारे में कुछ लिखती है। और अब प्रश्न संख्या 55 जी मैं बहुत संक्षेप में जल्दी जल्दी ताकि फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 55 हरिदास ये एक प्रोफेसर हैं समझ लीजिए फिलोसफी के हैं। उनके हमेशा से हरिदास को शिकायत रही है बदहजमी की हड्डी से हड्डी तक वायु अंधेरा छा जाता है आंखों में उठते बैठते दिन में सो हरिदास का दिल धप धप करता है सीढ़ियां चढ़ते उतरते खांसता रहता है हरिदास ब्रह्म मुहूर्त की वेला में। बहुत अच्छा हरिदास दौर्बल्य त्याग कर उठ खड़ा हो अर्जुन पृथ्वी को जीत भोग या वीर गति को प्राप्त हो स्वर्गारोहण कर ब्रह्म क्या है बताता है हरिदास। शंकर भाष्य समझाता है हरिदास परेशान है हरिदास बेटे की नादानी से बेटी की बदनामी से औरत की मनमानी से साम्राज्यों के उत्थान और पतन की सम्राटों के देह को छिपाए पिरामिडों की क्रांतियों और विद्रोहों की गाथाएं सुनाता है हरिदास। अक्सर टपकने लगता है हरिदास के घर की छत से पानी अक्सर टपकने लगता है हरिदास के घर की छत से पानी और मस्सों से खून। खेल और नीत से पढ़ाता है हरिदास सांख्य और न्याय समझाता है हरिदास। ये एक प्रोफेसर का चित्रण करने का प्रयास किया है मैंने 62 सड़क और
हमारे देश में भी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है गांवों का, उस बारे में निगल गई है ये काली सड़क मेरे गांव की बहुत सी पगडंडियों को, जैसे अच्छा है। सांप निगल जाते हैं लोगों को, और होता जाता है ज्यादा विशाल ज्यादा भयंकर। मुड़ती झुकती आगे बढ़ती है पगडंडी, किसी लता की तरह सबको रास्ता देती हुई, सबका सम्मान करती हुई, नजरअंदाज न करती हुई किसी भी झाड़ी पेड़ या झोंपड़ी को, ले जाती है राहगीर को पनघट तक, पोखर तक, पीपल की छांव तले जाती है पगडंडी, वहां ठहर बतियाती चलती है पगडंडी। सड़क सीधी सपाट निष्प्रह एकाकी ऐसन लग्न, मौन निर्मम आत्मलीन बिना कुछ कहे सुने धड़धड़ाती हुई पहुंच जाती है सुदूर गंतव्य तक। पगडंडी दुआ सलाम करती है, राम वाह, राम बोलती है, अच्छा है अच्छा सुख दुख कहती है, सुख दुख सुनती है, नेह के धागों में बांधती है पगडंडी, सांत्वना देती है, आंसू पोंछ लेती है, मन की गांठ खोलती है पगडंडी, दिल हल्का करती है, जिंदगी की तपन में शीतल बयार लाती है पगडंडी। बहुत सड़क सुंदर। उद्घोषणा करती रहती है अपने वर्चस्व की, अपने प्रभुत्व की, नष्ट करती हुई मार्ग के अवरोधों को, हिन हिनाती हुई दौड़ती है अश्वमेघ के घोड़े की तरह दुर्दांत और भयावह। एक छोटी सी है, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि मार्गदर्शन भी, ऐसे गजल का तो इसमें प्रयास किया है लेकिन गजल का मुझे अभी प्रैक्टिस है नहीं, तो क्योंकि उसमें वो है दो जगह, वो एक ही लाइन में काफी वो तो बैठता नहीं है। आज दूषित है हवा में क्या कोई त्योहार है, आज गलियों में है सन्नाटा कोई त्योहार है, वाह वाह घर पे वाह, अच्छा दस्तक, घर पे दस्तक हो तो तुम पहचान कर ही खोलना, बाप ने बेटों को ये लिखा कोई त्योहार है, घर पे दस्तक हो तो तुम पहचान कर ही खोलना, बाप ने बेटों को ये लिखा कोई त्योहार है, आज चौराहों पे है तैनात खाकी वर्दियां, वाह बज रही है सीटियां भैया कोई त्योहार है, अचकचाकर दुध मुंह ने माँ की छाती छोड़ दी और मुट्ठी भींच ली, फिर क्या कोई त्योहार है, अच्छा नीम भाई, पर बैठे, नीम पर बैठे परिंदे आज चुप सहमे हुए, नाज चुगने को न उतरे, हाँ कोई त्योहार है। वाह ये एक प्रयास किया गया था 1992 के भी, जी, हमारे गांव का जो निर्जीकरण हो रहा है, सड़कें बन रही है, वृक्ष कट रहे हैं, उस पर 3 बरगद कट गए हैं गांव के चौगान में, घोर मातम छा खेत में खलियान में, घेर कर कुल्हाड़ियों ने मस्तकों को चीर डाला, हाथ पैरों पसलियों को तार तार बिखेर कर फैला दिया मैदान में, 3 बरगद कट गए हैं गांव के चौगान में, पीढ़ियों से जो हवा में गूंजती थी गांव घर घर की व्यथाएं, सभी के सुख दुख, सभी की आस उम्मीदें,
मोह भंगों की हताशा की कथाएं, बुजुर्गों की परस्पर मंत्रणाएं, युवाओं की उलझती समस्याएं, बतकही नेहर की और ससुराल की, आंसुओं से भरी ये सारी कथाएं, इनकी शीतल छांव की तासीर ऐसी, बदल जाती थी पिघलकर नेह के फिर नए आह्वान में, तीन बरगद कट गए हैं गांव के चौगान में। घोर काली रात में चुपचाप झरते आंसुओं की धार में, डूबते बहते ढलकते गीत भी, मौत के साये में हिलती थरथराती आखिरी सी सांस में, आखिरी पल बुदबुदाते होठ पर आई, 70 हाथ नीचे दब चुकी थी बात जो अनकही, वह बात भी अंकित हुई रहती थी इनकी डाल पर। सही कह, घोर काली रात चुपचाप झरते आंसुओं की धार में, डूबते बहते ढलकते गीत भी, मौत के साये में हिलती थरथराती आखिरी सी सांस में, आखिरी पल बुदबुदाते होठ पर आई, 70 हाथ नीचे दब चुकी थी बात जो अनकही, वह बात भी अंकित हुई रहती थी इनकी डाल पर। क्या बात, तीन बरगदराशाई कुटपिट कर पड़े हैं गांव के सुनसान में, तीन बरगद कट गए हैं गांव के चौगान में, घोर मातम छा गया खेत में कल्याण में। और अब अंतिम है छोटी सी जी। पेज 10 110 जी। यह है सब, कोई दुश्मन तो चाहिए, दुश्मन जरूरी है। अच्छा है। कोई दुश्मन तो चाहिए जी। न हो तो कोई रच लीजिए, व्यक्ति को भी समुदाय को भी दुश्मन ही देता है कोई दिशा कोई मकसद, इसलिए दुश्मन तो चाहिए। दुश्मन देता है हमें एक पहचान, भर देता है नीरस जिंदगी में जोश, दुश्मन के बिना नहीं बनता इतिहास, नहीं बनती कोई कहानी कोई गाथा, सुंदर नहीं बनता नाटक कोई महाकाव्य, नहीं बनता कोई वीर या कायर, दुश्मन से ही बनती है और बदलती है भूगोल की रेखाएं भी। देवता और राक्षस, भगवान और शैतान व्यर्थ ही नहीं रचे गए, देवता और राक्षस भगवान और शैतान व्यर्थ ही नहीं रचे गए, असली हो या काल्पनिक, जरूरी है दुश्मन से लड़ते रहना। सारी क्षुद्रता सारे पाप सारी दुष्टता सारे छल कपट और निर्दयता सारे दुख दर्द सारे अत्याचार राक्षस के सिर पर डालकर देवता बने रहना बेहद जरूरी है। काल्पनिक इतिहास रचकर दुश्मन के जुल्मों सितम का बखान करना, उनकी साजिशों का दिन रात पर्दाफाश करना, हमारे सुख वैभव के लिए हमारे सत्ता सिंहासन के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए दुश्मन तो चाहिए, न हो तो कोई रच लीजिए, दुश्मन तो चाहिए। ये मैंने आपको साथ कविताएं और आपने जो बताई थी जो भी कविताएं, वैसे तो क्या है कि सभी कविताएं जो है ना जैसे माँ बेटे की सारे पुत्र बराबरी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर वो बात है। तो मैं आपका मार्गदर्शन और आपके जो कमेंट हैं
और बिना किसी लाग लपेट के, बिना लिहाज के, बिल्कुल साफ, ताकि उससे मेरा मार्गदर्शन होगा। कोई भी आप जो बताएंगे समीक्षा में बातें, तो उससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आपसे मैं ऐसे कमेंट्स की उम्मीद करता हूँ जो किसी प्रकार की जो है परंपरा और रिवाज के मुताबिक न हो, लेकिन मतलब चाहे कटु हो, कैसे भी हो, वो सब स्वागत योग्य हैं, और उसी से मेरा ज्ञान बढ़ेगा। अन्यथा तो जैसी जिस ढर्रे पे मैं चल रहा हूँ उसी पे चलता रहूंगा आगे भी। इसलिए अब आपकी बारी है, बताइए। अच्छी रचनाएं सुनने के बाद तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, उसका रसा स्वादन करने का भी अपना एक मजा होता है। और जब रचनाएं बौद्धिकता से भरी हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो मैं अभी तो यही कहूंगा कि अपने साथ डॉक्टर साहब मनु शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जैन साहब हैं, प्रकाश चंद जी, थोड़ा सा इनसे शुरू करते हैं और फिर समय रहा तो मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। तो मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर मनु शर्मा जी से कि वो गर्ग साहब का हमने रचना पाठ सुना और वो अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति, अपनी टिप्पणी जो सोचते हैं गर्ग साहब के साथ साझा करने के लिए। प्लीज डॉक्टर मनु शर्मा। नमस्कार गर्ग साहब से अभी जी हमने उनका काव्य पाठ सुना और जो कविताएं गर्ग साहब ने सुनाई हैं वे तो खैर अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा इस संग्रह में और भी बहुत सी कविताएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जी 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 गर्ग साहब की यात्रा की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर गलत नहीं हूं, गर्ग साहब उसको ठीक करेंगे, 1969 से लेकर के आज तक उनकी ये काव्य यात्रा बराबर चल रही है, यानी लगभग 55 वर्ष का अरसा जी गुजर गया है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज भी उतनी ही लगन, उतनी ही तन्मयता, उतनी ही गंभीरता के साथ में कविताएं भी लिख रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो विचार विमर्श है उसका भी हिस्सा बन रहे हैं और साथ ही साथ हम जैसे साथी लोग उनको बीच बीच में ऑफलाइन अपनी बात कहने के लिए भी आमंत्रित करते रहते हैं और वे हमारे बीच उपस्थित होते हैं। इस सब के लिए हम गर्ग साहब के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और मैं उनकी कविताओं के ऊपर बात करूं तो सबसे पहले मैं ये बात बहुत खुलकर के कहना चाहता हूं कि गर्ग साहब की कविताओं को किसी एक खांचे के अंदर सीमित करके हम नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि उनकी कविताएं किसी एक एक विषय के ऊपर केंद्रित हो या वो किसी एक खास पैटर्न को लेकर के चलती। गर्ग साहब के पास में अनुभव का, अध्ययन का, संवेदनाओं का इतना विस्तृत संसार है कि उसके अंदर गांव, घर,
गली, मोहल्ला, देश, विदेश, राष्ट्रीय मसले, अंतर्राष्ट्रीय मसले, साथ ही साथ प्रेम, झगड़े, लोगों के आपसी अविश्वास, असहिष्णुता, और जिस तरह का माहौल हमारे देश के अंदर वर्तमान में हमें दिखाई पड़ रहा है, वो सब गर्ग साहब की कविताओं के अंदर मौजूद है। मैं निवेदन कर रहा था कि गर्ग साहब के यहाँ पर बहुत बहुत विविधता है। जैसे मैं एक उदाहरण जो अभी गर्ग साहब ने कविताएं पढ़ी हैं उनमें से एक उदाहरण मैं सड़क और पगडंडी का ही लेना चाहता हूँ। जी जी जी, देखिए वो कविता मोटे मोटे तौर पर हमें दो संस्कृतियों के टकराहट की कविता बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पगडंडी है उसका पगडंडी है। वो ग्रामीण संस्कृति को का प्रतिनिधित्व करती है, उसका प्रतीक है, यूं कह लीजिए। सही है। और जो सड़क है वो शहरी संस्कृति का प्रतीक है, और दोनों संस्कृतियों के बीच किस तरह की टकराहट है, दोनों संस्कृतियों के बीच जो सोच समझ और संवेदना के अंदर कितनी दूरी दिखाई पड़ती है, किस तरह से दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नजर आती है, ये उस कविता के अंदर साफ साफ तौर पर सामने आता है। एक पगडंडी की संस्कृति है जिसके अंदर लोगों के साथ में आत्मीयता के स्तर पर जुड़ने का भाव समाया हुआ है। सही कह रहा है। आदमी अपना हिया खोल करके दूसरे के सामने रख देना चाहता है, और दूसरी तरफ वो सड़क की संस्कृति यानी शहरी संस्कृति है जिस संस्कृति के अंदर आदमी अपने आप के भीतर सिमटता चला जा रहा है। जी जी जी, तो ये जो इस तरह से चीजों को अपनी कविताओं के जरिए खोल करके रखना, ये गर्ग साहब की दृष्टि की व्यापकता को दिखाता है, और साथ ही साथ जीवन के प्रति उनका जो संवेदनात्मक नजरिया है उसको भी स्पष्ट करता है। आप देखिए कि उनकी एक कविता जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया, गर्ग साहब ने भी वो कविता हमें सुनाई नहीं, मैं उस कविता को खास तौर से जो है आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। उनकी एक कविता है दिवस बीते। ये कविता, इस कविता को के ऊपर जब हम बात करेंगे तो आप देखिए वो ऊपरी तौर पर वो हमें जो है वो बड़ी बड़ी परिपक्व रागात्मकता की कविता जो है दिखाई पड़ती है। यानी गर्ग साहब के यहाँ पर जो तमाम कविताएं हैं उन कविताओं के अंदर आपको उस तरह का रुमानीपन दिखाई नहीं पड़ेगा जिसके अंदर उथलापन होता है, जिसके अंदर एक जो है वो लिजलिजी मनोवृत्ति होती है। उस तरह की चीज जो है वो गर्ग साहब की कविताओं के अंदर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस कविता को जब हम पढ़ते हैं ये तो आप देखिए इस कविता के अंदर गर्ग साहब जो है वो किस तरह से अपनी रागात्मकता को जो है वो सामने लाते हैं, और वे कहते हैं, मैं एक उदाहरण देकर के इसमें से बताना चाहता हूं। वे कहते हैं, देखता अपलक जिसे मैं, चांद वह ढलता रहा, क्षितिज के उस पार हो तुम पर क्षितिज छलता रहा, और मैं पर्वत शिखर पर युगों से बैठा रहा, आगमन का क्षण तुम्हारा टल रहा टलता रहा, दूर तक यह राह निर्जन मानता फिर भी नहीं मन, अमर हूं देखा करूंगा यह धरा और यह गगन, दिवस बीते माह बीते
वर्ष बीते पर प्रतीक्षा में खुले ही रह गए मेरे नयन। आप देखिए क्या क्या यानी कितनी कैसे कैसी जो है मन को छू लेने वाली जो है एक स्थिति इस कविता के अंदर है। वो अपनी 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 जो सारी रागात्मकता है उसको उनेल करके रख रहे हैं इस कविता के अंदर। सही कहा। इस तरह का जो भावबोध है गर्ग साहब के पास में, यानी ऐसी निष्ठा पूर्ण रागात्मकता जिसके अंदर किसी तरह का कोई विचलन नजर नहीं आता है, वो हमें इस कविता के अंदर दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से मैं एक कविता का और जिक्र करना चाहूंगा जिसका जो इस संग्रह के अंदर सबसे लंबी कविता है, और उसका जिक्र इसलिए करना चाहूंगा, वो मेरा भी एक मोह कह लीजिए कि वो कविता, उस कविता को पढ़ते हुए मुझे मेरी एक कविता समय है यह वो याद आती रही लगातार, उस कविता को पढ़ते हुए याद आती रही। और अगर गर्ग साहब उसको अन्यथा नहीं लेंगे, मैं ये अगर ये कहूं कि उनकी ये कविता मेरी उस कविता का विस्तार है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उस कविता के अंदर, इस कविता के अंदर वो जो ऑब्जर्वेशंस की तलखियां हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑब्जर्वेशन, जिस तरह के ऑब्जर्वेशन हम आज कर रहे हैं या करते रहते हैं, उनसे हमारे मन में जो बेचैनी पैदा होती है, जो तलखियां पैदा होती हैं, उन तलखियों को किस तरह से गर्ग साहब ने अभिव्यक्त किया है और उस कविता को कितना विस्तार दिया है, वो कविता आज के, अगर मैं ये कहूं कि आज के यथार्थ का जो विभत्स है, उस विभत्स को उन्होंने जिस ढंग से इस कविता के अंदर प्रस्तुत किया है, जिस ढंग से, तो उसे पढ़ते हुए हमें ये लगता है कि जैसे हमारा जो समय है वो समय पूरी तरह से एक नारकीयता की गिरफ्त में आ चुका है, और हम उस नारकीयता को जीने के लिए अभिशप्त हैं, हम चाहकर भी उससे बच नहीं सकते, ऐसी वो जो है कविता। और उसमें बात इसके अलावा देखिए आप जो है वो जिस तरह से हम आज के दौर के अंदर देख रहे हैं सांप्रदायिकता का जो उभार हमारे देश के अंदर नजर आ रहा है, उस उभार को उन्होंने अपनी उस अभी जो कविता उन्होंने सुनाई थी उस कविता के अंदर हमारे सामने उजागर किया है, और बताया है कि किस तरह से हम जो है एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके और पूरे के पूरे सामाजिक वातावरण को इतना विषाक्त करते चले जा रहे हैं कि सामान्य आदमी का जो जीवन है वह मुश्किल हो चला है। लगातार बात बेबात के ऊपर किसी एक समुदाय को दुश्मन के तौर पर ठहरा देना, उसको दुश्मन घोषित कर देना, और फिर अपनी तमाम कुंठाओं को उस समुदाय के ऊपर थोपने की कोशिश करना, यहां तक कि अपने आप को विजेता दिखाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, अपने आप को वर्चस्वशील दिखाने के लिए उस समुदाय का के साथ में लिंचिंग करना, उसके साथ में हिंसक बर्ताव करना, उसको कदम कदम पर बेइज्जत करना, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना,
ये सब हमारे दैनिक व्यवहार का हिस्सा हो चला, और हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा करके हम जैसे इस देश को जो है वो कोई वैचारिक ऊंचाई दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक तरह से हमारे सामाजिक और नैतिक पतन को दर्शाने वाली स्थितियां हैं, और हम इस बात को लेकर के बिल्कुल चुप है। यानी जो नागरिक समाज है इस देश का, वो पूरी तरह से चुप है। उसके अंदर किसी तरह की कोई हरकत हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो चीजें हैं वो उन चीजों की तरफ गर्ग साहब ने अपनी कविताओं के अंदर निरंतर हमारे पाठक का ध्यान खींचने की कोशिश की है। एक बात जो मैं और यहाँ पर रेखांकित करना चाहूंगा वो ये है कि कुछ चीजों के प्रति, और खास तौर से जो जीवन की गति है, उस जीवन की गति के प्रति गर्ग साहब का जो रवैया है वो दार्शनिक दिखाई पड़ता है मुझे। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जैसे कई कई कविताओं के अंदर उनका वो जो दर्शन के प्रति जो झुकाव है वो झुकाव प्रकट होता है। जहां पर वो ब्रह्म की बात करते हैं, जहां पर वो हवा पानी आकाश की बात करते हैं, या जहां पर वो जो है अपने आप को, या यो कह लीजिए कि इस ब्रह्मांड के अंदर मनुष्य की हैसियत क्या है, इसको दिखाने के लिए जिस तरह के बिंब हमारे सामने लाते हैं, उस एक बिंब की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। वो बिंब जो है बड़ा जोरदार है। जैसे वो उसमें वो कहते हैं, समुद्र से उछली बूंद या हिमालय से छिटका रेत का कण, इस सृष्टि में बिना कोई हलचल किए अपनी पहचान खो देते हैं। मनुष्य भी एक दिन इस सृष्टि में रेत के कण की भांति अपना नामो निशान खो देता। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण दार्शनिकता की तरफ इशारा करता है। और ऐसा बहुत सी कविताओं के अंदर बहुत से ऐसे प्रसंग है जहां पर वो इस तरह से जो है कहते हैं। इसी कविता के अंदर आगे चल करके वो ये कहते हैं, जान ही नहीं पाएगा कोई, दूर दूर तक फैले खेत से अन्न का एक दाना, बैठकर चिड़िया की चोंच में कब वहां से चला गया, और जान ही नहीं पाएगा कोई मेरा या तुम्हारा रुखसत हो जाना यहां से। तो ये जो चीज है कि मनुष्य किस तरह से दुनिया से चला जाता है, और एक तरह से उसका जो नामो निशान है वो भी इस दुनिया से मिट जाता है। किसी के चले जाने का दुनिया के बाकी के जो कारोबार है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। किसी के चले जाने, इस दुनिया के अंदर रहने या इस दुनिया से रुखसत हो जाने से दुनिया का कारोबार कहीं बाधित नहीं होता, वो यथावत चलता रहता है। ऐसे ही ये सृष्टि का जो सारा क्रम है, ये क्रम अब तक चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और गर्ग साहब इस सब को बहुत निर्लिप्त भाव से देखते हैं, ये उनकी खूबी है। मैं इसको उन चीजों को देखने का उनका जो एक निरपेक्ष नजरिया है, निरपेक्ष इस अर्थ में कह रहा हूं कि वो चीजों को जो है वो अपने आग्रहों के संदर्भ में नहीं देखते हैं, बल्कि उसका जो ऑब्जेक्टिव रूप है, उसकी जो वस्तुनिष्ठता है, उस वस्तुनिष्ठता के साथ में वो चीजों को देखते चलते हैं। और ये जो उनकी सोच है वो कहीं न कहीं पर हमें उनकी उनकी जो वैज्ञानिक समझ है
उस वैज्ञानिक समझ के प्रति आश्वस्त कर। गर्ग साहब, मनु जी ने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत करीब से उन्होंने जो कविता आपके पुस्तक को पढ़ा, समझा और अपने विचार व्यक्त किए हैं, उस पर तो कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता। डॉक्टर मनु शर्मा अपने आप में एक ऐसे विद्वान हैं कविता के क्षेत्र में भी, जो कविता की जो रचना धर्मिता है उस पर भी आप अपनी एक पुस्तक की रचना कर चुके हैं। लेकिन जहां आप बात आती है कि आपकी पुस्तक की, तो मैंने आपको याद हो कहा था कि आपकी पुस्तक में मुझे चिंतन के संग संग दर्शन के भी दर्शन होते हैं, ये मैंने कुछ दिन पहले कहा था आपसे। अब वो आपके स्वभाव में है कि आप उस दर्शन को भी इस तरह अभिव्यक्त कर जाते हैं कि वो आम आदमी के लिए एक सहज भाषा में कवित्व के संग जुड़ी हुई रचना नजर आती है। ये आपके आप सिद्धस्त हैं इस बारे में। अब आपका अपना जो नजरिया है वो तो बदला नहीं जा सकता, इतने अनुभव के बाद तो जो आपने जीवन का निचोड़ समझा है आध्यात्मिक रूप से या सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर, वो सब तो दिखना लाजमी है वो आपके रचना में भी। तो रचनाएं तो बहुत सुंदर हैं और जिसे कहना चाहिए कि एक मैच्योर्ड कवि, एक मैच्योर्ड चिंतक जब अपनी अभिव्यक्ति करता है तो उसकी भाषा बदली नहीं जा सकती, उसको अंदर मैच्योरिटी तो नजर आएगी आएगी। मेरा तो आपसे एक आग्रह है, मैं चाहता था कि आप उस कविता को जरूर पढ़ें, आप उसको पढ़ दीजिए, मैं समझूंगा मैंने अपनी बात कह ली। जो आपके फ्लैप कवर पे है, सोता है एक महाकाव्य, प्लीज गर्ग साहब इसे पढ़ दीजिए और ये समझ लीजिए कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ। के निर्देशानुसार ये झरने की हर लहर दर्ज है पर्वत के अंतस्थल में, पृष्ठ 23। झरने की हर लहर दर्ज है पर्वत के अंतस्थल में, फूलों की जीवन गाथा अंकित है गहरी अंधेरी जड़ों में, मौन नीरव धरती के हृदय में लिखी है हर पत्ते की थिरकन की कथा, हवा के हर कंपन की कहानी समुद्र के पास है और समुद्र की हर तरंग की गाथा हवा में सोई पड़ी है। किले की इन प्राचीन दीवारों में अंकित है 1000 वर्ष के घात प्रतिघात, षड्यंत्र आक्रमण युद्धोन्माद प्रतिशोध पछतावे और जौहर की लपटें, आदिकाल से लेकर आज तक उड़े हुए सभी पखेरुओं के यात्रा पथ अब भी चिन्हित हैं आकाश में, हर कब्र की गहराई में हर राख की ढेरी में सोता है एक महाकाव्य। ये आपके खास तौर पर कहना चाहता हूं गर्ग साहब, और वो ये है कि आपकी कविताओं के अंदर जो काव्य रूपों के अंदर विविधता दिखाई पड़ती है वो आपका आपकी रचनात्मकता का बहुत मजबूत पहलू है। यानी आप देखिए कि आपने जहां कविताएं लिखी हैं उनके साथ साथ आपने गजल लिखने की भी कोशिश की, खैर वो एक अलग बात है कि वो फॉर्मेट जो है वो पूरी तरह से बन नहीं पाया, लेकिन इसके अलावा आपने वो जो कुंडलिया का फॉर्मेट अपनाया है एक
कविता के अंदर, जिसमें आप वाल्मीकि को लेकर के, कालिदास को लेकर के, तुलसीदास को लेकर के, केशव को लेकर के जो जो कुंडलियां लिखते हैं, वो वाकई अपने आप में जो है ना बेजोड़ है। दोहे तो आपके, दोहे तो आपके जो है वो जो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सहज और संप्रेषणीय और बड़े बड़े ही वे संवेदनाओं से भरे हुए दोहे हैं, तो उनका तो खैर कहना ही क्या। लेकिन ये और बीच बीच में आपने जो है वो कहीं कहीं पर जो लिरिकल फॉर्म है कविता का, उसको भी आपने जो है ना अपनाया। तो ये जो विविधताएं हैं आपके यहाँ पर काव्य रूपों की, ये आपके आपकी कविता को संवेदनात्मकता के साथ साथ रूपगत या शैलीगत जो विस्तार है वो भी देती है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ, और फिर जब कभी अपनी मुलाकात होगी तो इस बारे में अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार। जैन साहब से आग्रह करता हूँ कि वे भी अपनी बात कहें। तीन बड़े कवियों के वक्तव्यों के बाद अब मेरे लिए कुछ कहना ज्यादा बचता नहीं है, फिर भी इस किताब पर कुछ बोलने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि इंटेलेक्चुअल्स तीन तरह के बताए गए हैं, एकेडमिक इंटेलेक्चुअल यानी वह व्यक्ति जिसका अध्ययन बहुत व्यापक है, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, ये सब उनके अध्ययन का हिस्सा हो। इसके दूसरा बताया गया है क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल, यानी जो कुछ पढ़ा है उसको सोच समझकर अपने विचारों को एकत्रित करके अपनी बात को एक रचना के रूप में प्रस्तुत करना, वो क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल कहलाता है। और एक होता है पब्लिक इंटेलेक्चुअल, वो व्यक्ति जो आम जनता की तकलीफों को समझता है और वो समझते हुए उनको दूर करने का प्रयास भी करता है, सुझाव भी देता है। इन तीन इंटेलेक्चुअल की बात करने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग आधी सदी का साथ गर्ग साहब का मेरे साथ जो रहा, ये तीनों एक व्यक्ति में मिलना दुर्लभ है, पर ये तीनों इंटेलेक्चुअल के जो क्वालिटीज हैं वो गर्ग साहब में मैं देखता हूँ। वो एकेडमिकली साउंड है, वो क्रिएटिव के दृष्टि से साउंड है, सॉलिड है, समृद्ध है, और ये इनका काव्य संग्रह ही बता रहा है कि वो आम जनता के दर्द दर्द को महसूस करते हैं और उसको साझा करते हैं और उनको दूर करने के सुझाव भी देते हैं। अब रही बात काव्य संग्रह की, तो मैं मनु जी की बात को एंडोर्स करूंगा कि गर्ग साहब के काव्य में विविधता है, वो जीवन के कई पहलुओं को छूते हैं। जैसे पहली, अच्छा देखिए, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल होने के बाद उनकी पहली कविता ही उनकी विनम्रता को दर्शाती है वो। और ये मतलब जो महान लोग होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये उनका सबसे बड़ा गुण होता है कि वो विनम्र होते हैं और हमेशा सीखने की ललक रखते हैं। तो पहली कविता ही उनकी जो है जीवन की पोथी, ये उनकी नम्रता दर्शाती है कि मैं जो है ना क्या नाम से पढ़ते पढ़ते ही आता है पढ़ना, मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ते ही रहना
तो समृद्ध होंगे। और किसी भी रचनाकार को पढ़ते हुए पाठक को ये लगे कि ये मेरी बात कह रहा कवि, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। उस पाठक को ये महसूस करा दे कि यार ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। जैसे पृष्ठ 13-14 पर यादें नाम की कविता है, तो ये कहते हैं कि असंभव है यादों को ताले में बंद रखना। तो ये मैं कई बार सोचता हूं कि भाई जब कभी नींद खुल जाती है तो पुरानी यादों को की जुगाली करते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल है यादों को ताले में बंद करना। और एक पृष्ठ 15 पर है एकांत प्रेम, बना ही रहा ये डर हमेशा। यानी मनुष्य के भीतर दो तरह के डर होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। तो मानसिक डर ये है कि भाई कोई अपमान नहीं कर दे, है, और उससे कर में प्रेम नहीं कर पाए, और उस है ना कोई अपमान नहीं कर दे, कोई नुकसान नहीं हो जाए, है ना। तो इस तरह के जो डर है ना वो हमेशा सतत आ रहता है मनुष्य के, ये मैं भी सोचता रहता हूँ। तो ये जैसे मेरे मन की बात कर, जैसे कितना अकेला, एक ये उसमें भी यही बात कही गई है। और पृष्ठ 25 पर शताब्दियां, यानी पिता को समझना कि किसी के जो बस की बात है वो पिता होने के बाद ही आती है। पिता को पिता को समझना कब समझता आदमी, जब खुद पिता हो जाता है। तो ये 4-5 कविताएं ऐसे लगी जैसे मेरे ही मन की बात कही हो, और ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे विविधता की बात है तो पृष्ठ संख्या 17 पर आकाश लिखी है, तो आकाश का साक्षी भाव बताया आपने। ये पूरी प्रकृति जो भी है हमें दिखाई दे रही है उसका एक आपने वो लिया है एक पहलू आकाश, और वाकई ये साक्षी भाव से ही देखते हैं। न इनके लिए अपना है कोई, न पराया है, न ये सर्दे होते हैं न ये कठोर होते हैं, इनके लिए सब बराबर है, चाहे वो गुणी हो अवगुणी हो, गरीब हो धनवान हो, दुष्ट हो नम्र हो, है। तो ये आकाश का साक्षी भाव आपने बताया है। और मतलब प्रश्न 31 पर जो बचपन की यादें, दो दोस्तों के बचपन की यादों के संबंध में आपने जो शुरुआत की है, सूखे तालाब के पेंदे सा, ये मतलब कितना बड़ा ऑब्जर्वेशन मैं देखता हूँ कि सूखे तालाब के पेंदे सा, वो झुर्रियां जो है ना जो उनको देख के, और हालांकि देखे गर्ग साहब के 7 दशक हो या 8 दशक हो, ये उन्होंने अपने दोस्त के मुंह पे देखी होगी, इनके मुंह पे झलकी है, ये अभी भी जो है नवयुवक नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा तरह से युवा नजर आते हैं, युवा नजर आते हैं। और पृष्ठ संख्या 36 पर देख, एक निश्चित आयु पर पहुंचने पर ही व्यक्ति जो है ना समझौतावादी हो जाता है, जैसे तुम्हारे जीर्ण शीर्ण घर में, यानी भाई जो दे दो वो खा लेंगे, जहाँ बैठाओगे बैठ जाएंगे और जहाँ सुलाओगे वहां सो लेंगे। तो एक व्यक्ति का होता है निश्चित आयु के बाद में ऐसा पड़ाव आता है। इसी तरह से देखिए, देखिए गर्ग साहब का जो है ना, मैंने कहा ना पब्लिक इंटेलेक्चुअल, तो विकास के नाम पे जो तथाकथित विकास के नाम पे जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, और ये जो तो गर्दिश एक लिखी है ना पृष्ठ 37-38 पर, तो ये इसमें अपने इनके कवि के जो है ना पीड़ा उजागर होती है। इसी तरह से देखिए धर्म का जुलूस, ये आजकल जो है तथाकथित धर्मावलंबी त्योहार और धर्मों पे जिस तरह से जुलूस निकालते हैं, मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। एक बार दशहरे पे मैं बाजार में किसी दुकान पे बैठा था, तो ऐसा ही तथाकथित धार्मिक जुलूस निकला था, उसको देखते हुए मैं कांप गया, मतलब इतना भयाकरण तो गया। तो गर्भसा का सही कहना है कि धर्म का जुलूस हो, जुलूस क्या, ये तो एक तरह से आतंकित करने का जुलूस होता है और जबरदस्त। इसी तरह ये इसी से जुड़ी हुई एक कविता है, वो त्योहार वाली, त्योहार
आपने ना क्या कोई त्योहार है तो क्या कोई त्योहार है तो वो त्योहार के दिन भी ऐसा लगता है कि जैसे त्योहार सौहार्द का न होकर एक भय का माहौल में वातावरण में जी रहे तो मजबूर हो रहे हैं। और देखिए इनकी संवेदनशीलता जो समाज में धार्मिक संकीर्णता फैलती जा रही है और सहिष्णुता नहीं रही है, किसी के विचारों का स्वागत ही नहीं किया जाता है और कोई विचार व्यक्त करता है तो उसकी जान ही ले लेते हैं। तो इस पर आपने नरेंद्र दाभोलकर के नाम से कविता लिखी है, ये आपकी संवेदना व्यक्त करती है। इसी तरह से पृष्ठ 48 पे 20वीं मंजिल, अब महानगरों में जो है अट्टालिकाओं में आदमी रह रहे हैं, एकाकी जीवन है, तो ये आपके जो चूंकि आप गांव से निकले हैं और अभी आपने बताया पगडंडी और सड़क का जो लिखी वही बातें हैं। इसी तरह से देखिए कि पृष्ठ 52 पे भय, यानी भय से ही सब कुछ रचा बचा है, ये समाज, ये सामूहिकता, ईश्वर, बहुत अच्छी इवन ईश्वर की जो कल्पना है वो भी भय से ही, हाँ वो भी भय से ही आई है। बस अंतिम बात कहता हूं मैं कि आजकल ये देखा जा रहा है हर जगह कि चाहे एक देश को काल्पनिक बनाएंगे या उसी देश में अपने देश में किसी जाति को या धर्म धर्मावलंबी को दुश्मन खड़ा करके और एक अपनी सत्ता को बचाए रखने का खेल खेला जा रहा है, तो ये कोई दुश्मन चाहिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के स्थिति में सब जगह हम देख रहे हैं ये क्या है, प्रश्न 110 और 112 और 13 पर है, तुम्हें गर्व है, ये दोनों कविताएं एक ही तरह की, यानी एक तरह से छद्म राष्ट्रवाद का हवा खड़ा करके और क्या नाम से अपनी कुर्सी या तानाशाही को बनाए रखने का जो चलन चला हुआ है। और अंतिम बात, ये जो जैसे सन्नाटे का शोरगुल, मैं सोच रहा था कि ये वो ये कबीर की उलटबासी की तरह ही क्या ये वो है क्या सन्नाटे का शोर, शोर का भी कोई सन्नाटा है, तो ये कबीर की जैसे चढ़ती है ना, वो कबीर कहता है ना मछली चढ़ी रूख, भाई कोई मछली भी कोई पेड़ पर चढ़ सकती है, तो सन्नाटे का भी शोर। पर आपने, मैं तो इसमें जो है ना यही देख रहा था कि ये तो जैसे कबीर अपने वो दोहों में कहा करते थे उलटबासी, वैसी आपने एक कविता लिखी है सन्नाटे का शोर पृष्ठ 117 पर, बहुत बढ़िया कविता। तो मेरी समझ में जो बातें आई है वो मैंने कुल मिलाकर ये है कि आपका अध्ययन, आपका मनन, आपके विचार, आप और सबसे बड़ी बात आपका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब आप बरगद कट रहा है उसकी पीड़ा व्यक्त कर रहे हो, माँ का पत्र जा रहा है आज की स्थिति में जो महानगरों में या विदेश, ये देखिए कैसी विडंबना है, विदेशों में बैठे हुए व्यक्ति यहाँ दाह संस्कार में नहीं आते हैं और वहीं से ही उनको जो है श्रद्धांजलि दे देते हैं ऑनलाइन, तो ये माँ का पत्र भी जो उसकी पीड़ा को दर्शाता है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन है बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है, और फिर ऑब्जर्वेशन तो जैसे मैं भी कर लेता हूँ कि भाई अरे भाई ये पेड़ कट रहा है तकलीफ होती है, दाभोलकर मारा गया तकलीफ होती है, हैं और ये जुलूस निकाल के डर पैदा किया जा रहा है, दुश्मन खड़ा करके किया जा रहा है, ये सारी बातें महसूस है, पर उनको शब्दों में व्यक्त करना वो और भी बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके काव्य संग्रह से बहुत ही मतलब समृद्ध हुए, लाभान्वित हुए और मजा आ गया। कुल मिलाकर आज की वार्ता बहुत ही आनंददायक रही और बहुत बढ़िया। और अंत में जो है गर्ग साहब आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और ये मेरा सुझाव है कि जैसे वो धर्म का जुलूस और त्योहार के जुलूस वो दो अलग, तो दोनों को एक जगह कर किया जा सकता है नंबर सीक्वेंस में, मतलब एक जैसे एक यहाँ है और एक बहुत 10-20 प्रश्नों के बाद में है, मेरा एक सुझाव है वैसा, तो वो ठीक है। तो अब जो मैं निवेदन करूँगा गर्ग साहब आप अपनी प्रतिक्रिया और कोई विचार हो तो हमें लाभान्वित करें, धन्यवाद।
मैं कह सकता हूँ आप सबने तो मतलब जो है पॉजिटिव बातें ही उनकी बुझार की है, और वो आपने जो मुझे भी महसूस होता है कि आपने दिल से वो बातें कही हैं। और कई बार हम किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ भी लेते हैं, तो अगर आप सौंदर्य की आंख से आप देखोगे तो सुंदरता दिखेगी भी, क्योंकि वो तो देखने वाले की नज़र में है। हाँ, तो वो है रसम जानंती पंडिता, है कवि करोति काव्यानि रसम जानंती पंडिता। कवि तो काव्य लिख देता है लेकिन उसका रस तो जो पंडित लोग जानते हैं। और फिर आप तो तीनों कवि हैं, देखिए सक्सेना जी की कविताएं मैंने खूब पढ़ी हैं, और इनका एक भाव भंगिमा, इनकी भाषा, इनकी शैली, एक इनका जो तेवर है वो अलग है, वो अपने आप में आनंददायक है। और मनु जी की जो कविताएं हैं वैविध्यपूर्ण तो हैं ही, इनकी एक कविता जो है जो पुराने विचारों के बारे में है, शायद इनके संग्रह में शुरुआती पहली दूसरी तीसरी कविता ही होगी, कि जो वृद्ध लोग हैं बाहर चबूतरे पर बैठे रहते हैं, अपने मोटे चश्मे से आने जाने वालों को देखते रहते हैं, कौन आया कौन गया, और इस तरह से ही जो पुराने विचार हैं उनको भी रखा जाना चाहिए, ताकि उनके द्वारा भी हम नई की आंधी में उड़ नहीं जाएं, सोच सकें समझ सकें कि जो परिपक्व और पुराना है वो कितना मीनिंगफुल है, कितना सार्थक है। वो जो कविता इनकी है वो मैं कहता हूँ कि एक दशक में सबसे, जो कविताएं पढ़ते रहते हैं पत्रिकाओं में आती हैं, तो कई वर्षों में वो कविता मुझे, ऐसी कविता दूसरी कोई पढ़ने को नहीं मिली जो वो कविता है। शायद वो कविता क्या शीर्षक है वो तो मनु जी बताएंगे, पुराने विचारों के बारे में है वो, कि उनको दरवाजे पे दिखाए बैठे रहते हैं और अपने मोटे चश्मे से कौन आया कौन गया, तो वो ऐसी कविता है कि मेरे पुराने विचार मेरे पास उसके प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। तो मनु जी भी कवि हैं और हमारे जैन साहब कवि हृदय हैं, बहुत ही भावुक हैं, और कवि हृदय ही कविता तो कवि हृदय का ही काम है पढ़ने का, क्योंकि जो अर्थ है कविता का, जो अर्थ है वो पाठक, वो श्रोता वो देता है, वो कवि ने सोचा भी नहीं, लिखने वाले ने सोचा भी नहीं, और वो पाठक उसको समझता है, वो अर्थ देता है, उसके देने से वो अर्थ उस कविता को प्राप्त होता है। कविता स्वयं में कोई बहुत क्लियरली कुछ नहीं कहती, तो इसलिए। और फिर कविता तो आदि मानव, जो मानव जंगलों में गुफाओं में रहता था तब से, बल्कि जो होमो सेपियन के पहले नियंडरथल मैन था तब से ही वो गाता भी था, और तो सुख में दुख में क्रोध में ईर्ष्या में खुशी में संवेदनात्मक होकर के वो नाचता था और गाता था। तो हम कविता को डेटलेस मानते हैं कि इसकी कोई तारीख नहीं होती, चाहे आज का कवि अमेरिका के गगन चुम्बी इमारत में बैठा हुआ लिख रहा है, या कोई आदि मानव अफ्रीका के जंगलों में या पेड़ पर बैठा हुआ कोई गा रहा है, अपना कोई छंद गा रहा है, दोनों को हम एक ही दृष्टि से समीक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम देखेंगे कि समय ये 20वीं 21वीं सदी का लिख रहा है और ये प्राचीन, ऐसा कुछ नहीं। कविता की कोई डेट नहीं होती और कविता का कोई स्थान नहीं होता कि साहब ये भारतीय कविता है कि ये चीनी कविता है। अभी मैं चीनी कविताओं का एक संग्रह मैंने पढ़ा, तो युद्धों के बारे में इतनी करुणा उन कविताओं में भरी थी कि आंसू आ जाते हैं।
तो ऐसा नहीं, और वो कविताएं पुरानी है, 4,000-4,000 साल पहले की कविताएं वो चीन की। तो इसलिए कविता की न कोई तारीख होती है न कोई स्थान होता है, कविता यूनिवर्सल जो मैन है, शाश्वत मनुष्य के दिल की आवाज है। तो आप सभी का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा उत्साहवर्धन भी किया, और आपके पास जो कवि हृदय है और सौंदर्य को देखने की जो आँख है उसके कारण आपने कई ऐसे बातें मेरी कविताओं में बताई जो कि मुझे पता नहीं थी। इसलिए अंत में मैं अपना आभार प्रदर्शन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जन सरोकार मंच की श्रृंखला को विशेष रूप से संग्रहित किया जाएगा, जहां जिसमें प्रोफेसर राजेंद्र गर्ग साहब से उनकी पुस्तक सन्नाटे के शोरगुल पर एक सार्थक विचार विमर्श संपन्न हुआ, और जन सरोकार मंच आभारी रहेगा डॉक्टर मनु शर्मा, डॉक्टर पीसी जैन साहब, और आशा है ऐसा ही सहयोग जन सरोकार मंच को भविष्य में भी आपके सानिध्य में मिलता रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।